गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रवाद के कारण भारतीय राजनीति में आई हुई समस्याएं या परेशानियां, जिसमें हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के कारण भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली प्रकार की समस्या थी कि क्षेत्रवाद के आधार पर कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों ने भारत से पृथक राज्य निर्माण करने की मांग की। अर्थात उनका ये मानना था कि किसी भी कारण से उनके राज्य का विकास भारतीय संघ में रहते हुए उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है, उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे उनमें संस्कृति संबंधी भिन्नता हो या भाषा संबंधी हो या जाति संबंधी हो या धर्म संबंधी हो या भौगोलिक क्षेत्र से वो अपने को अन्य राज्यों से भिन्न मानते थे। अतः उनके द्वारा भारत से स्वतंत्र एक पृथक राज्य की मांग की गई, जिसके अंदर जो सबसे अधिक समस्या का कारण रहा था वह खालिस्तान की मांग गई थी। मास्टर तारा सिंह ने सबसे पहले ये मांग उठाई या उनका ये मानना था कि सिख भारतीय हिंदुओं से भिन्न है और उनके लिए एक पृथक राज्य की मांग उन्होंने प्रारंभ की। यद्यपि सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म से ही हुआ था और सिख धर्म का मुख्य लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ही किया गया था, परंतु लंबे समय तक खालिस्तान की मांग ने न केवल भारतीय राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किया, बल्कि हजारों हिंदुओं और सिखों दोनों को ही अकारण ही मौत के मुंह का सामने जाना पड़ा। और इस खालिस्तान की मांग के कारण ही इंदिरा गांधी ने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था उसके कारण उनकी हत्या भी हुई और उसके पश्चात भी न केवल लोगों की मृत्यु हुई, हत्या हुई, बल्कि आज भी एक अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो सबसे पहले जो अधिक बड़ी समस्या थी वह खालिस्तान की मांग थी। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरी भारत से पृथक राज्य की मांग की गई थी वह द्रविड़वाद की मांग थी। इनका ये मानना था कि जो साउथ के राज्य हैं वे उत्तर भारत के राज्यों से संस्कृति भाषा और प्रत्येक दृष्टि से भिन्न है, तो उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और उनके लिए देश के अंदर एक अलग अलग राज्य बनाने को लेकर समस्या को हल करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिजो राज्य मिजो लोगों के द्वारा भी अपनी भिन्नता के कारण एक पृथक राज्य की मांग की गई थी, जिसे अंत में इंदिरा गांधी के द्वारा एक अलग देश के अंदर ही एक अलग राज्य की मांग के रूप में स्वीकृति के द्वारा खत्म किया गया। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि नागालैंड के द्वारा भी एक पृथक राज्य की मांग की गई थी। उनका कहना था कि एक नागालैंड के रूप में एक अलग राज्य की स्थापना की जाए, जिसे हम भारत के अंदर ही एक पृथक राज्य के रूप में आज देख रहे हैं। इन सबके साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के कारण जो दूसरे प्रकार की लोगों की मांग थी या तो दूसरे प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई वह थी देश के अंदर ही एक पृथक राज्य की निर्माण की जाए। अर्थात उनका कहना था कि दूसरे राज्यों के साथ मिलकर उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, अतः देश के अंदर ही एक पृथक राज्य का निर्माण कर लिया जाए, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मेघालय का निर्माण हुआ और इसके साथ ही साथ में मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पांडिचेरी गोवा दमन दीव दिल्ली अंडमान निकोबार के द्वारा भी समय समय पर पूर्ण राजत्व की मांग की गई, जिसे धीरे धीरे पूरा किया गया। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुंबई का भी जो विभाजन हुआ वह पृथक राज्य की मांग के अंतर्गत ही हुआ और मुंबई और गुजरात को अलग अलग राज्यों के रूप में स्थापित किया गया, जो कि भाषा और संस्कृति की भिन्नता के आधार पर किया गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि तेलंगाना की मांग भी की गई और तेलंगाना की मांग ने एक लंबे समय तक समस्या को उत्पन्न किया और प्रशासनिक या अन्य समस्याओं को लेते हुए अंत में तेलंगाना की मांग को भी स्वीकार किया गया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि पृथक राज्य की मांग के अलावा कुछ समस्याएं क्षेत्रवाद में अंतर्राज्यीय विवाद के कारण क्षेत्रवाद की समस्या के कारण अंतर्राज्यीय विवाद का भी कारण बना, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चाहे
किसी क्षेत्र विशेष या शहर विशेष को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ हो, जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर हुआ हो, या पानी संबंधी विवाद रहा हो, क्योंकि यदि कोई एक नदी भिन्न भिन्न राज्यों से होकर गुजरती है तो पानी को लेकर भी विभिन्न राज्यों में या कुछ राज्यों में समय समय पर तनाव उत्पन्न होता रहा। इसके साथ ही साथ में क्षेत्रवाद के कारण एक समस्या जो उत्पन्न हुई वह थी भूमि पुत्र की अवधारणा। क्षेत्र विशेष के लोगों का कहना था कि जो भूमि है, भूमि से संबंधित जो लाभ है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या औद्योगिकरण से संबंधित हो या प्रशासनिक पदों से संबंधित हो, वे अधिकार भूमि पुत्र को ही मिलने चाहिए या कम से कम उस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित सीमा तक रहने के पश्चात प्राप्त होने चाहिए। तो भूमि पुत्र की अवधारणा को भी क्षेत्रवाद के कारण उत्पन्न हुई। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के कारण भाषा संबंधी समस्या भी उत्पन्न हुई। हिंदी की देवनागरी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बनने से रोकने में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं या क्षेत्रवाद के कारण न केवल हिंसा फैली बल्कि अनेकों लोगों को अपनी जान से भी आंत धोना पड़ा और जो समय समय पर भारत की राष्ट्रीय एकता में समस्या उत्पन्न करती है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ राज्यों ने एक राज्य के अंदर रहते हुए भी अपना अलग राज्य निर्माण करने की मांग की, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं उत्तराखंड, झारखंड, गोंडल और विदर्भ की समस्याएं समय समय पर उत्पन्न हुई और जिसमें से उत्तराखंड झारखंड के रूप में अलग राज्य का निर्माण करने की मांग लंबे समय तक चली, जिसमें काफी पूरी भी हुई। तो इस तरह से जो क्षेत्रवाद की भावना थी उस क्षेत्रवाद की भावना ने को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है और संघ से जो पृथक होने की मांग थी वह अधिक उग्र रही या उसने अधिक समस्याओं को उत्पन्न किया। यद्यपि पृथक राज्य की मांग ने भी क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने में या राज्य के सामने प्रशासनिक समस्याओं को उत्पन्न करने में कठिनाइयों को उत्पन्न किया। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय समस्याओं के का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है या इन समस्याओं के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। धन्यवाद। इधर बंद।